पहले बड़ो भाई हो बिंग एक्सपायर हो तो वो तो बीमार हो तो बिंग ऊपर बहुत पीसो खर्च हो। आज अंगा जी का पिताजी है दादाजी है बे रहा कोनी। अरे चैनल के माध्यम हूँ अपील करूंगा इलाके का सामाजिक संगठन हूँ और भामाशाह हूँ मैं अपील करूंगा कि परिवार की बदू बद मदद करो। तो एक तो नियुक्ति पत्र हाथ थमाए हुए जी पोल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर को ऊपर ने सेवा को मौको दिए है जी। नमस्कार प्रणाम राम राम मैं लक्ष्मण यादव और थे देखने लाग रहे हो लक्ष्मण के वीडियो। आज को जी को वीडियो है वो एक दुखद घटना पर है जी की हनुमानगढ़ जिले के अंदर रावसर तहसील है और रावसर तहसील की ग्राम पंचायत रामपुरा मटोरिया है बिंग अंदर किकराली गांव आवे बिंग अंदर एक इसी घटना घटी है कि जी के परिवार के अंदर तीन जी का परिवार का सदस्य कमान आला मांग तीन की है जी की लगातार है जी की डेथ हो चुकी है। तो बड़ी दुखद आ घटना है और भी परिवार के अंदर अब जी की महिला ही रही है। तो आज इन विषय पर इन वीडियो में आप बात करांगा तो थे लगातार वीडियो में बना रही हूँ। दोस्तों जी के घर में मैं आ जाए हूँ अठा एक बड़ी दुखद घटना हुई भाई अभी मैं थाने बताई। तो ई घर के अंदर जी का मृतक है बांगा जी का परिवार का सदस्य है भाई मेरे कने बैठे है तो बाहू भी बातचीत करांगा। तो थारो पूरा परिचय बताओ सा। मेरा नाम राजा राम सुथार और जो मृतक है जिसको मृत्यु हुई है बांगा मेरा भतीजो और नाम किकरालिया तहसील रावसर जिला हनुमानगढ़। के कारण रहे हो साहब आज की घटना लगातार आज की तीन सदस्यों की जी की डेथ हुई है। पहले बड़ो भाई हो बिंग एक्सपायर हो तो वो तो बीमार हो तो बिंग ऊपर बहुत पीसो खर्च हो बिंग बाद में पिताजी है बे एक्सपायर हो गया अब वो बच्चों एक तीसरो भाई और हो तो मानसिक स्थिति ऊपर ले ली दबाव थोड़ा सा साइकोलॉजिकल होने की वजह से मन सुसाइड कर लियो। तो अब परिवार के अंदर कमान वाली कौन कोई रहे है कि कोनी? परिवार में कमान वालों कोई कोनी जिकी एक बड़ी बांगी माँ ही भाई तो आप कोनी है दो बीनियां है जिकी मारी मानी बेटियां मान लियो बस बच्चे हैं तीन बांग है पांच लड़की है बांग है खुद है दोनों बच्चा है एक लड़को है। तो इस समय के अंदर आज की परिस्थिति है बिंग अंदर घर चलाना बहुत मुश्किल हुआ है और घर के अंदर आदमी गोनो भी बहुत जरूरी हुआ है पर जब भगवान इसी को ट्रेजिडी कर दी तो अब जी की मेरे वो कहना है जितना भी थे दर्शक देखने लाग रहे हो भी आज ही घर ने जी की आवश्यकता है आर्थिक स्थिति की हुआ है परिवार है गांव है वो भी सहयोग करे और क्या कहना चाहो। बैंक को ऋण है 15-16 लाख रुपया वो भी परिवार पर आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। तो अठे जी के खेत के अंदर रहने लग रहे अठे कोई जमीन वगैरह है आंगे? हाँ है थोड़ी जमीन है बाकी ऋण ज्यादा है आर्थिक स्थिति खराब है कमाने वाला कोई है ही कोनी अब कौन कमा चाहिए जमीन के अंदर तो कोई काम करनी ही कोनी घर सा। दोस्तों मेरे कने समाज से ही है जी का सुरेंद्र जी खड्डा है जी का टिब्बी चला गया अठे आयड़ा है बेबी इन परिवार ने सहयोग वास्ते अठे पहुंचड़ा है। तो खड्डा जी थारो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। लक्ष्मण जी बहुत बहुत धन्यवाद सारू पहला तो मैं थारो धन्यवाद करूँ कि थे ई चैनल के माँ ई दुख तई घटना ने थे चैनल के माँ स्थान दिए है और थे अटे इन्हें कवर करने खातर आए हो साहब बहुत ही पावन और पवित्र काम थे करिए है बहुत धन्यवाद थारो। तो थे के अठे जिगा जी की पहुँचेड़ा हो अठे के सहयोग वास्ते के थारी कोई स्कीम है भी अठे किन्ने लोगों ने इकट्ठा कर गए के करना चाहो। लक्ष्मण जी मैंने ये घटना के बारे में क्यों बिया तो ही किकरालिए को टीबी को बड़ो डिफरेंस है अठे कोई आना जाना को नहीं लेकिन मैं सोशल मीडिया के अंदर ये घटना की मैं जानकारी भी वीडियो में दो तीन बार ही सुनी और बांगा कमेंट चेक करिया फिर आगे नंबर दे रहा अभी बच्ची हूँ मैं बात करी फोन के ऊपर तो मैं ये तरिया केसेज में थे जानो कि मैं कई मदद करूँ आयशा केसेज का माँ तो मेरे हमेशा कंसनट्रेट रहा कि भी पी परिवार ने आप परमानेंट सोल्यूशन दें सथाई जो कोई वैकल्पिक व्यवस्था है जी हाँ कर्जो बताए और अभी की जरूरत है अपन आर्थिक सहयोग बिन मैं डिनाई कौन कर सकूँ लेकिन परमानेंट सोल्यूशन हुआ है कि बच्ची ने मैं बात करी तो बाकी मैं एमए बीएड हूँ डबल एमए है बच्ची तो मैं बन के भी थे अगर राव सर कोई प्राइवेट जॉब कर लियो तो मैं बात करूँ तो माँ बच्ची को मैं कर लूँगी तो मैं ई कड़ी का माँ गिरधारी जी गुदारा अठा वैदिक कॉलेज का ओनर है और बड़ा ही सामाजिक है भी कार्यकर्ता है मेरा मित्र है मैं आंग से बात करी तो आ क्यों अभी कोई इंटरव्यू की जरूरत कोनी कोई बात कोनी परिवार ने मदद का हिसाब हूँ मैं मेरे कॉलेज का माँ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के ऊपर ही बच्ची नियुक्ति दे दूंगा और आज गिरधारी जी लेटर पैड सागे ही ले गया असिस्टेंट लेक्चरर के पद पर ही बच्ची नियुक्ति दी है साहब गिरधारी जी भी बहुत बहुत धन्यवाद है वो मैं एक तरीके से मोटिवेट करी आया केस आने रेफर करी आने बताया है मेरा प्रयास कर लियो और मैं और भी जगह समाज कल्याण विभाग हूँ या और भी जगह राजनीतिक लोग है सामाजिक संगठन है बांधते ही मैं मेरा टेलीफोनिक संपर्क कर लाग रही हूँ
परिवार की आप किया बढ़िया बढ़िया मदद कर सका, परिवार ने वापिस आप किया स्टैंड कर सका, मेरा प्रयास रहेगा सर। सुरेंद्र जी आज के थारो प्रयास है वो बहुत अच्छा है कि क्योंकि जी की आज समाज के अंदर कोई समस्या आ जाए तो बिंग अंदर जी का सोशल वर्कर काम करे मांग नॉलेज मावर बे अगर कोई परिवार की हेल्प करे तो बहुत ही बढ़िया बात है, सराहनीय बात है जी की थे करने लग रहे हो। बिल्कुल साहब है, मैं और भी थारे चैनल के माध्यम हूँ अपील करूंगा, इलाके का सामाजिक संगठन हूँ और भामाशाहूँ, मैं अपील करूंगा कि परिवार की बदू बद मदद करो। इस परिवार की मदद करोगा तो मैं समझू को बड़ो जेनुअन केस है, बड़ो जरूरतमंद, बड़ो निडी परिवार है साहब। नाम मात्र की कृषि भूमि है, बिंग ऊपर पारिवारिक किसानों का हालात ही खराब है, कर्जो बहुत ज़्यादा हो गयो और भाई के सके के मजबूरियाँ के परिस्थितियाँ रही, दो डेथ हमें पहला होगी, तीसरी हम भाई हम सुसाइड कर लियो, छोटी 5 बच्चियाँ हैं साहब, एक बच्चों है, मैं तो विचलित हो गया घटना देखे कि वो परिवार को लालन पालन किया हुआ को। तो मैं ये हनुमानगढ़ राजस्थान पूरे भारत का जगह भी लोग ये चैनल ने सुने या वीडियो सुने, अठे किकराली गाम में आगे थी स्थिति देखो थे आगे केस ने आप बातचीत कर गई परिवार हूँ और थे बदू बद मदद करो, मैं तो यही निवेदन करूँ सर। दोस्तों मेरे कने रावसर का वैदिक कॉलेज है, बंगा जी का संचालक है गिरधारी जी गोदारा, मेरे कने बैठे बहु बातचीत करांगा, बे भी इन दुख की घड़ी में आठे पहुँचड़ा है। तो गिरधारी जी थारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर लक्ष्मण जी, थारो भी बहुत बहुत स्वागत, जो मीडिया का माध्यम थे सुख दुख को कोई भी काम है बिन थे जनता के बीच में लियो, बात थारी रखने को प्रयास करो, इनके लिए आज खेत के अंदर एक ढाणी के अंदर थे पहुँचे हो, तो पहला जी मारो पहला थारो बहुत बहुत आभार। गिरधारी जी आज जी की डाणी के अंदर थे पहुँचे डाओ, यहीं घर के अंदर एक बहुत अप्रिय घटना है जी की बड़ी दुखद है, जी के अंदर थे आज आया हो तो थारो के प्रयास रहोगे इनके बारे में बताओ। तो इनके बारे में मेरा प्रयास यो ही है जी के, एक तो सारों पहला जी की अपनी में बेटी है, बहू है, पुत्र बुद्धू है, दोनों के बंग ऊपर मंग पति देवा या मन संगो हाथ को नहीं जी, दोनों बहना विधवा होगी और मंगी सास है बंग ऊपर जी, ससुर जी भी कोरे आ, तो वह भी आज घर में तीन बह माता बहुआ तीनों बैठी है, तो बंग घर में वह 5 बेटी है, जो एक तो मात्र 4-5 महीने की है और एक बेटो है 7 वर्ष को। तो अभी जी 20 सालों पहला यानी मैं 13 साल कमाण और रोजगार हो भी कोई जानो कोई आस अपन है कोई दूर दूर ती दिखाई कौन दे रही है, तो इनको परमानेंट सोल्यूशन हो ये कि एक तो जी परमानेंट रोजगार दे, तो वह बड़ी बेटी बहू और पुत्र बधु जो है वह डबल एम ए बी एड है, तो आज वो नियुक्ति पत्र मैं तो साथ ले गया हो, रात खदा जी मैंने फ़ोन पर बतायो तो मुझे सुबह जल्दी चलांगा। तो मेरो गांव तो जी राजस्थान को लास्ट गांव है हरियाणा की बॉर्डर पर टिब्बी तहसील में कैरवालो संगरिया विधानसभा क्षेत्र में, तो मैं भटों जी पहुँचे हूँ, तो एक तो नियुक्ति पत्र हाथ में थमाए हुए जी, पोल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर के ऊपर ने सेवा को मौको दी हुए जी, दूसरी जी अंगा बच्चा है, तो बंग लिए मेरो भरपूर प्रयास है कर अवसर में 4 स्कूल मेरा फ्रेंड मेरा टीचर यानी मेरा फ्रेंड सर्कल में गजब है, मन उम्मीद है क्या बा चारों पांचू बच्चा ने एक एक बच्चों वहाँ स्कूल में देंगा, तो बांगो बस को किराए है बैग है बुक है स्टेशनरी है ड्रेस जूता है बांगी फीस है बिल्कुल 100% वह माफ़ करेगा, 99.99 मन उम्मीद है, अगर कोई 0.1 संभावना तो पूरी है वह करेगा बिल्कुल मानेगा मेरी बात मन उम्मीद है, 0.1% भी नहीं मानेगा तो आ चारों पांचों बच्चों को खर्चो है वो सारो मैं वहन करूँगा। गोदारा जी ओ जी को थे शुरुआत करी है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिको आज एक परिवार के अंदर इतनी आवश्यकता ही जिकी आप सोचा कि जिकी चीज़ा घरे चाहिए कोई सामान चाहिए बिंगी तो हेल्प हो जाए, पर एक रेगुलर आगे तक है जिकी हेल्प करनी बहुत मुश्किल हो जाए, और थे एक अपॉइंटमेंट जिको थारे कॉलेज के अंदर एक नौकरी देने लग रहे हो आप बहुत बड़ी बात है, दर्शकों एक गोदारा जी जिकी हेल्प करे बिंग हिसाब में थाना कहना चाहूँगा कि इन तरह इं परिवार ने जिको सहयोग है जिको मिलनो चाहिए, क्योंकि बच्चा भी 5 है और काम करने वालों घर के अंदर कोई कोनी, और आज की शुरुआत करी है अगर इं त्रियाँ अगर कोई भामा सा अगर सहयोग कर सके परिवार की तो आगे भी आंगो जी को लालन पालन है वो अच्छे तरीके हो सके, बूंद बूंद हुई घड़ो भरियो जावे एक आदमी करे वह कोनी फिर भी हाँ जी की बात कही है वह भी बहुत बड़ी बात है कि एक पूरे परिवार की जी की हेल्प करने की मदद करने की जी की बात कही है वह बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो साहब इन अंदर ये है कि मेरे 88 को जन्म है 99 के अंदर में 11 साल हो जब मेरे पिताजी को खेत का मत तो यो अंगूठो कट्यो, तो रेल को वजन साहब पटरी जान सके जक इंसान में विपदा पहुँचे नहीं अमीरी गरीबी की वो ही जान सके
दूसरा तो आज गुदारा जी कॉलेज को डायरेक्टर आज लीलन में जैकेट में बैठे हों तो कड़ा की लाग तो लो, पर बड़ा अंधेरा देखना पड़े, बड़ा पापड़ बेलना पड़े। जब जाके जी रोशनी की किरण चढ़ने पड़े 99 ले गए 2016 तक अमेरिकन हॉस्पिटल की पर्चियाँ पड़ी है। मैं कोई सही ढंगू स्कूल कॉलेज रेगुलर कौन जा पायो, क्यों मेरा पिताजी बहुत बीमार आ। 2016 में अचानक 15 मिनट पहला तो मेरी बात भी और 15 मिनट बाद में मैसेज आयो थे बिलोई कौन करोगा, मैं हनुमानगढ़ स्वयं इंटरनेशनल स्कूल में हो, फोन आयो कह जी बात बीत गई। तो मुझे की चीज़ जब अपना हाथ में कोनी बिंगो किंग अगर उन्होंने कौन सुपुंछ है जी, आज को टाइम है खराब है, इन खतर में बहुत बारी है शब्द बोलू मेरा मजबूर हो गया, अपनों से सावधान है। तो मैं जी मोटरसाइकिल के ऊपर काफ़ी ठंडी धुंधी हुआई तो 66 किलोमीटर मक्का सरण एस के डी यूनिवर्सिटी आ गए भी स्कूलों में मोटरसाइकिल ले गए। 5:15 बजे मेरे को कॉल आई, धुंध आ गई और 6:15 बजे मैं घर पहुंच गयो एक घंटे के अंदर अंदर। तो क्यों भी उम्मीद कौन ही जी, मो इलाज कौन ही जी, अब जबकि कोई एसडीएम ने कलेक्टर ने डीजीपी ने किन शिकायत करा, तो भगवान का तुम्हें अब किन शिकायत करा, ट्रेजडी बड़ी होगी। तो छाती रख के संघर्ष करके हौसलो रख के जी घर पहुँचियो, माता जी भी बहुत बीमार रहा और मजबूर ने एक ट्रेजडी और भी जी, पिताजी दुनिया में कोरिया में तीन भाई, तीनों भाइयों बीच में एक ही मारे बेटो हो, 5.5 साल को हो गए जी 2019 के माँ मारो बेटो भी हाथ उन चलियो गयो। तो मैं जानू जी जके परिवार इंसान को जानो भी परिवार ने को टूटनो कितो दुखदाई हुए, तो रेल को भजन जी पटरी जान सके मेरे में बीती जो मैं जानू भी मेरी आत्मा के कई, तो आज ई परिवार में बीती है तो मैं जानू ई परिवार की आत्मा के कह, तो जी ई तरीके की दुखी आत्मा है भई आगे अंगो सहयोग कर सके, बाकी सुखी आत्मा बहु भी मैं कुंभी अंगो सहयोग करो, बाकी मेरा भरपूर प्रयास 24 घंटा ही परिवार के लिए है। बच्चा की समाज कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति है, तीन अंगी अंगी जिया विधवा पेंशन है और भी जकी मारे लायक सहायता रहेगी वह भरपूर दिलवावगा जी, मारो भरपूर प्रयास है जिया के लिए। गुदारा जी थारा बहुत बहुत धन्यवाद है जी कि थे शुरुआत करी है और इतनी बड़ी बात कहनी कोई सौखो काम को नहीं हुआ है, क्योंकि थे भी परिस्थितियाँ जी की देखी है और इन दुखद घड़ी में जी को थे प्रयास करने लाग रहे हो, बिंग लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद है। और दर्शकों जी का भी थे देखने लाग रहे हो तो इन दरिया थारो भी कोई प्रयास है, कोई अगर सहयोग करना चाहे तो ई आपनों जी को चैनल चला है, इनके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर थाने अंगो नंबर मिल जाएगो, जिके अगर फोन पे वगैरह चले अकाउंट नंबर मिल जाएगो या नीचे कोई लाइन चलेगी भी पर नंबर होगो तो भी पर थे है जी को सहयोग कर सको। जिके परिवार के अंदर जी की ट्रेजडी हुई है, जी की दुखद घटना हुई है, बे अठे मेरे सामने ही है जी का भी खड़िया है और बंग बच्चा है जी का 5 है, एक सारों छोटो बच्चो है जी को थे सामने गोदी में देखने लाग रहे हो और ज़्यादा जी की अंदर बच्चियाँ हैं, तो चाहे जी का पढ़ाई वास्ते प्रयास तो करने लाग रहा है पर इंग अंदर आज अंगा जी का पिताजी है दादाजी है बे रहे कोनी, तो ई परिवार ने जी को ज़्यादा में ज़्यादा जी को सहयोग थे कर सको तो जरूर करियो। थारो पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम जी नरसिंह लूणा है, गांव की किराली है जी, मैं तो अंगा जी खेत पड़ोसी है जी, अंग सगे सदाऊ ही मेल जोल हो और अच्छा रिश्ता परिवार सगे 2-3 पीढ़ियों बींग मार्फत आया जी। तो जी की आज ये परिवार के अंदर जी की समस्या आई है, जी का परिवार का सदस्य है बे रहा कोनी और जी की महिला रही है, तो थे तो अंग पड़ोसी रह रहो भी अंग के स्थिति है बारे में बताओ। बहुत ही विकराल पोजीशन है जी, ये केस का पा फाइनेंशली और मोरली दोनों ही है कपा पा देखा तो घर में कोई सदस्य को नहीं घर चला नो, फाइनेंशली तो ये गाँव जी मेडिकल एक्सपेंस बहुत रहे हो जी, दोनों तीनों जगह दो भाई आंग पिताजी आप अंग पर बहुत मेडिकली एक्सपेंस रहे हो, फाइनेंशली तो बीया खराब हो गया और फिलहाल कोई कमाने वाला कोई रिसोर्सेज को दिखा है, तो बड़ी खराब पोजीशन है जी। पोजीशन खराब है बिंग है हिसाब हूँ जी, आज अठे राव सरूम चला गया जी, गोदारा जी आया है तो बे भी कोई हेल्प करना लग रहा है, तो थाने बिंग बारे में पता हो। हाँ जी अभी मिले हैं मैंने गोदारा जी, बहुत अच्छा प्रयास करियो है, मारा तो पड़ोस मारे पंचायत का भाणजिया है रामपुरा का, बड़ा बहुत शानदार प्रयास करियो है जी और मैं भी मारी तरफ हूँ जी, तो होश है भी तो गाँव की तरफ हूँ लाग रहा प्रयास करने, बाकी कहावत है जी बूंद बूंद घड़ो भरनो, सारा प्रयास करांगा और दिलू प्रयास करांगा जी और कोशिश करांगा ही करना उबारने की, मानस तो आपा को लिहास का लेकिन पूर्ति करने की कोशिश करांगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
दर्शकों जिका भी थे वो वीडियो देखने लाग रहे हो, इन वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो ताकि इन परिवार ने जिको है कोई सहयोग है जिको मिल सके, जिको भी कोई दानदाता है वो दान कर सके है। और नंबर है जिका थाने बताया नीचे जिका चलन लाग रहा है वहाँ पर थे संपर्क कर सको, पूरी तसली कर गए और थे जिकी सहयोग है जिको कर सको। तो थे लगातार वीडियो बना रहा है, बिंग लिए भी थारो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।